आज नया चैप्टर है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में और उस चैप्टर का नाम है बायोमॉलिक्यूल्स, जैव अणु या जैविक अणु नया चैप्टर है। और इसमें मुख्य रूप से अपन लोग क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन्स, इनको क्या बोलते हैं जैविक अणु या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, कई नाम इसके, बायोमॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जैविक अणु या जैव अणु। तो है क्या ये जैविक अणु? जैविक अणु की अगर परिभाषा की बात करें, जीवों के लिए आवश्यक तत्व कोशिकाओं में मुक्त रूप से नहीं मिलते, याद रखना जरा। कोशिका जो होती है अपने शरीर में लगभग 7 खरब के आसपास स्वस्थ मनुष्य में कोशिका होती है, सभी मिला के इससे भी ज्यादा। तो इनमें जीवन के लिए आवश्यक तत्व कोशिकाओं में मुक्त रूप से नहीं मिलते, बल्कि ये यौगिक व आयनों के रूप में मिलते रहते हैं। एक एक लाइन का ध्यान रखना जरा सब, जीवन के लिए आवश्यक तत्व इसेंशियल एलिमेंट्स, आवश्यक तत्व कोशिकाओं में मुख्य रूप से नहीं मिलते बल्कि ये यौगिक व आयनों के रूप में मिलते हैं। प्रत्येक यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु का बना होता है। अब दूसरी लाइन में दिया है, प्रत्येक यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु का बना होता है जो विशिष्ट केमिकल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, रासायनिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। जल का जैसे अणु भी एक यौगिक है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का बना होता है, H और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का बना होता है। अणु यौगिक की सूक्ष्मतम इकाई है, अणु यौगिक की सूक्ष्मतम इकाई है जिसमें यौगिक के सभी गुण संपन्न, सभी गुण पाए जाते हैं। इंट्रोडक्शन हुआ, इस इंट्रोडक्शन से क्या आपको मिला कि जैसे जल में है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणु का बना होता है यौगिक, और फिर दिया है उन्होंने अणु यौगिक की सूक्ष्मतम इकाई है। अब इसके बाद प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ये जो अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, जैविक अणु 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अकार्बनिक, ये क्या होता है अकार्बनिक, और दूसरा क्या होता है कार्बनिक। अकार्बनिक माने इनऑर्गेनिक, कार्बनिक मीन्स ऑर्गेनिक, अकार्बनिक आ माने जिसमें कार्बन नहीं निकलता हो, माने जिसको जलाने पर कार्बन नहीं निकलता हो वो अकार्बनिक, और जिसमें कार्बन निकलता हो जलाने पर वो क्या हो जाएगा कार्बनिक। अब अकार्बनिक में क्या है, वाटर, मिनरल्स, आयंस वगैरह, बस रहे कि नहीं, वाटर, मिनरल्स, आयंस। अब पानी को जलाओगे गर्म करोगे तो भाप निकलेगी, कार्बन ही निकलेगा, ऐसे ही मिनरल्स का है, खनिज लवण का, और आयंस जो चढ़े होते हैं Na+ आयन, Cl- आयन, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये कौन से होगा, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या आ जाएगा, अब ऑर्गेनिक की बात करते हैं, जिसमें जलाने से क्या निकलता है, कार्बन निकल आता है, धुआं निकलता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन, कार्बोहाइड्रेट रहेगा, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन वगैरह, ये किसमें आ जाएंगे, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। इस प्रकार से ये 2 हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड और विटामिन। अब कार्बोहाइड्रेट की बात करो, फिर इसके बाद लिपिड की बात करो, फिर इसके बाद इसकी बात करो, न्यूक्लियोटाइड, तो अभी केवल इंट्रोडक्शन बता रहे हैं हम आपको, डिटेल नहीं बता रहे। कार्बोहाइड्रेट क्या है, डिटेल अलग से ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए अपन लोग क्या चीज खाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो जाते हैं, आलू खा रहे, चावल खा रहे, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, बस रहे कि नहीं। दूसरा क्या है, वसा, प्रोटीन, प्रोटीन किस में क्या चीज खाते हैं, दाल वगैरह, रोटी वगैरह, यानी गेहूं वगैरह, इसमें प्रोटीन प्राप्त होती है। और तेल वगैरह, डालडा, घी, ये सब क्या है, फैटी एसिड, फैट वाले मटेरियल है। और हरी सब्जियां वगैरह विटामिन्स में आ जाती है। और न्यूक्लियोटाइड में क्या है, जो हमने आपको बताया था, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फास्फेट ग्रुप, ये तीनों मिला के क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, विटामिन आप बता चुके थे, ये चीजें क्या बनाती है।
अब जो अपन को मेन चीज पढ़ना है, ये तो इंट्रोडक्शन था, वो पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट। पहले सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन के बाद कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। देखिए पहले इसको अपनी भाषा में लीजिए, कार्बोहाइड्रेट क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। भाई यहां हाइड्रोजन हाइड्रेट ग्रुप लगा होगा तो वहां पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन चीजें मिलकर के। तो कार्बोहाइड्रेट का जरा इंट्रोडक्शन क्या है इसको बारे में सुन लो, फिर इसका डीप में जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो अपन लोग पढ़ रहे इसके बारे में, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इसमें शर्कराएं, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलो आदि कार्बोहाइड्रेट के यौगिक हैं। ये सभी जीवों द्वारा ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सबसे ज्यादा क्लोरोफिल युक्त बैक्टीरिया, शैवाल सूर्य के प्रकाशी ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा CO2 और जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। इसमें जो कैलकुलेशन दिया है, कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में पर्यावरण से लगभग 10 करोड़ मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करते हैं। जरा समझ लीजिए, CO2 और पानी का जो उपयोग करते हैं पर्यावरण से कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में 10 करोड़ मीट्रिक टन CO2 और H2O का उपयोग होता है। ये लाइन बताने के लिए हमने यहां से शुरू किया। अब आगे, पौधे का शुष्क भार का लगभग, जरा समझना, पौधे में यानी कोई भी पौधा है उसके शुष्क भार का लगभग 80% भाग कार्बोहाइड्रेट का होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट समझ लीजिए आप पौधे में कितना है, 80%, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। वो आपको पता है कि भोजन जो बनता है क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, आपको पता है ना, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, ग्लूकोज किसमें आता है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन अगर हम लेंगे तो ये किससे मिलकर बना है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का योग मिलकर के, जिसके देख किस क्या नाम है, कार्बोहाइड्रेट है क्या, ये तीन चीजें से मिलकर के बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये पहले यहां से शुरू होगा आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों को मिला करके अपन लोग क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। अब C1% होगा तो CN लिख दिया, H2% होगा तो 2N, CN, H2N, ON, मतलब क्या हुआ, 1:2:3, ये रेशियो लेना पड़ेगा जब कार्बोहाइड्रेट बनेगा, 1% कार्बन, 2% हाइड्रोजन और फिर 1% ऑक्सीजन, इनका मिश्रण ही क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 1:2:3, तीनों मिलाकर के कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसी का जो सूत्र दिया CnH2nOn, और इसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जुड़े रहते हैं। ये दो तीन प्रकार का होता है कार्बोहाइड्रेट। अब इसको जरा सुन लीजिए, क्या है कार्बोहाइड्रेट में तीन प्रकार, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। डाइसैकेराइड किसी में, किसी में ऑलिगोसैकेराइड, मतलब क्या हुआ, सैकेराइड का मतलब क्या होता है, शक्कर से, सैक्रॉन, सैक्रोमाइसिस, मीठी चीज से। मोनो शब्द हटा दो, ये IUPAC का शब्द है। सैक्रॉन का, सैकेराइड का मतलब होता है शक्कर से, और शक्कर का मतलब होता है ग्लूकोज से, शर्करा से। मोनो सैकेराइड यानी C6H12O6, ये बना ना, 1:2:1, 1:2:1, यानी मोनोसैकेराइड, मोनो माने एक, 1%, दो, तो ये जो ग्लूकोज का सूत्र हुआ, ये ग्लूकोज हुआ वो मोनोसैकेराइड होगा, एक ग्लूकोज का अणु है, इसलिए उसका नाम क्या होगा, मोनोसैकेराइड। जब दो हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डाइसैकेराइड। इसी में क्या कर दिया, प्लस H12O6, एक ये हो गया और एक ये ग्लूकोज का अणु हो गया, दो ग्लूकोज के अणु हो गए, क्या बनेगा इसके आगे,
जब ए ग्लूकोज का ए और ए ग्लूकोज का ए तो C12H22O11+F2 ये जो है डाइसेकेराइड है C12H22O11 ये जो है कौन सा ग्रुप का ये जो है डाइसेकेराइड बन रहा है डाई माने दो दो ग्लूकोज के अणु और दो से अधिक दस से कम ये क्या कहलाएगा ऑलिगोसेकेराइड ऐसे ग्लूकोज के अणु जोड़ते जाओ दो से अधिक हो जाएंगे और दस से कम होंगे वो क्या कहलाएगा ऑलिगोसेकेराइड और जब ढेर सारे हो जाएंगे यानी दस से भी अधिक ग्लूकोज के अणु जुड़ते जाएंगे तो वो कौन सा हो जाएगा पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड और तीसरा क्या है पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड और ऑलिगोसेकेराइड में हमने आपको डिफरेंस बता ही दिया और तीसरा क्या है बहुत सारे एक ग्लूकोज का अणु दूसरा तीसरा चौथा ऐसा क्या हो जाएगा पॉलीसेकेराइड ये सभी सेकेराइड यानी जो ग्लूकोज के अणु है ये आपस में ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ते चले जाते कौन से यहां बंद बॉन्ड सहसंयोजी बंद पड़ा होगा कोवेलेंट बॉन्ड क्या है ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़ करके आगे बढ़ते जाते हैं तो ये मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड और ऑलिगोसेकेराइड मोनोसेकेराइड में ट्राइओसिस क्या C3SXO3 ट्राइओसिस हो गया केटोसिस में क्या हो जाएगा C4H8O4 इसका पेंटोसिस में C5S10O5 तो आईयूपीएसी के शब्द है हेक्सोस में क्या हो जाएगा C6S12O6 ये ग्लूकोज का अणु ये कई प्रकार का है यानी चाहे आप इसका ले लो चाहे इसका ले लो लेकिन रेशियो क्या रहेगा 1:2:1 ग्लूकोज फ्रक्टोज लैक्टोज ये सारी चीजें उदाहरण है मोनोसेकेराइड अब इसके बाद डाइसेकेराइड के उदाहरण देखते हैं तो ये जो अभी बता रहे कार्बोहाइड्रेट में ये संरचना बनाई गई थी सूत्र क्या होता है C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है एक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है इसमें देखिए ये स्थिति CH2 मिले अगर इसको कैलकुलेशन करोगे तो C6H12O6 ये वाला फिगर है जब है ये मोनोसेकेराइड है जब इसमें से दूसरा ग्लूकोज का आपने बताया था C6H12O6 ये बनेगा C12H22O11+S2O S2O कहां पर आया ये आ गया दो H है और ये O है क्या निकलेगा S2O ये S2O जोड़ दिया अब C12H22O11 ये देखिए ये जो बनेगा ये वाली जो संरचना है C12H22O11 अब इसके बाद ये जो जुड़े हैं ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड से मैंने बताया था एक प्रकार का सहसंयोजी बंध है और तीसरा देखिए जब इसमें क्रॉस होगा तो ये माल्टोज ये जो संरचना बनी है ग्लूकोज फ्रक्टोज लैक्टोज और माल्टोज ये माल्टोज की संरचना है दूध से क्या लैक्टोज लैक्टिक जो नाम दिया है दूध दही जैसे वो लैक्टिक एसिड ही बनता है दूध से दही बनता उसमें बैक्टीरिया काम करते हैं तो ये संरचना हुई ग्लूकोज फ्रक्टोज माल्टोज यानी मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड में क्या है बात ऑलिगोसेकेराइड और तीसरा क्या है पॉलीसेकेराइड ऐसे ही आप कितने भी ग्लूकोज के अणु जोड़ते हैं इसी में सेल्युलोज पढ़ेंगे अपन लोग पेक्टिन पढ़ेंगे ढेर सारे जो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ हैं जो उत्सर्जन करते रहते हैं एक्स्ट्रा निकलते रहते हैं वो सभी किसे मिलेगा आपको कार्बोहाइड्रेट यानी पौधे का शुष्क भार 80% कार्बोहाइड्रेट का बना होता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से क्या है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या बनता है सबसे ज्यादा ग्लूकोज वही भोज पदार्थ भोजन C6H12O6 यही जाकर के भोजन वो जाइलम फ्लोएम की सेल्स द्वारा विभिन्न भागों में डिस्ट्रीब्यूट अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर वितरित होता रहता है इसलिए 80% भाग इसका है कार्बोहाइड्रेट का है लेकिन शुष्क क्यों जोड़ा है अगर उसको तोला जाए उसमें H2O भी ढेर सारा होगा और सबसे ज्यादा पानी का नुकसान कौन करते हैं पेड़ पौधे ही करते हैं क्यों
पेड़ पौधे जितना पानी लेते हैं उसका 90% पानी वातावरण में दे देते हैं। इसके द्वारा एस्टोमेटा के द्वारा रंध्रों के द्वारा वो पानी को उसमें से अगर उन्हें मान के चलिए 10 लीटर लिया तो 10 लीटर में 9 लीटर वो वातावरण में निकाल देते हैं, केवल 1% उपयोग करते। इतना सबसे ज्यादा नुकसान पेड़ पौधे ही करते हैं, वाष्प के रूप में निकालते रहते हैं। 1% ही केवल पेड़ पौधे उस पानी को अपनी क्रिया में, किसकी क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उपयोग करते हैं। तो ये टॉपिक किसका हुआ, कार्बोहाइड्रेट। अगले टर्न पर पढ़ेंगे अपन लोग क्या कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन है, लिपिड है, अमीनो एसिड की संरचना और विटामिन्स वगैरह, फैट विटामिन्स की संरचना पढ़ेंगे अगले टॉपिक।